विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, पेशेंट के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? आप प्लीज पैसों का इंतजाम कर दीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे जमा करवाने? यही कोई 8-10 लाख रुपए खर्च होंगे। आप चिंता मत कीजिए, 2 घंटे में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मम्मी के अलमारी की चाबी दीजिए। क्यों? आपने सुना नहीं, मैंने कहा मम्मी के अलमारी की चाबी दीजिए। अगर गलती से भी संजीव के इस एक्सीडेंट में आपका हाथ हुआ तो गौरव, संजीव हॉस्पिटल में है। और देखो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है अभी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास नहीं होंगे, लेकिन इंटरेस्ट पे ले लो, वो जितना इंटरेस्ट मांगे मैं देने को तैयार हूँ। प्लीज संजीव की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। पैसों का इंतजाम हो गया है, इन्हें जमा करा दो। देखो समीर, बाद में लड़ लेंगे, अभी पैसे जमा करा दो। मैं जानता हूं आप संजीव को लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। परेशानी की बात है पापा,
एक्सीडेंट की वजह से सर को चोट लगी और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन चालू है। आप प्लीज प्लीज प्रार्थना कीजिए कि संजीव बिल्कुल ठीक हो जाए। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। पर पेशेंट की हालत के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर इस तरह भीड़ मत लगाइए, क्योंकि उस पर दवाओं का इतना गहरा असर है कि सुबह से पहले उसे होश नहीं आएगा। इसलिए अब आप लोग घर जा सकते हैं, चाहे तो आप में से एक या दो लोग यहाँ रुक भी सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही पेशेंट को होश आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। जी जी आप लोग चलिए। मैं नहीं भाई साहब, मैं रहूंगी संजीव के पास। जब तक उसे होश नहीं आ जाएगा मुझे चैन नहीं आएगा। मैं ही रहूंगी, आप जाइए घर। नहीं माँ, जब तक संजीव को होश नहीं आता मैं भी यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी आप प्लीज घर चलिए, आपने सुबह से वैसे ही कुछ नहीं खाया, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए। हाँ नहीं, मैं यहीं रहूंगी। माँ आप साक्षी की बात मान क्यों नहीं लेती? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप घर जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। वैसे भी घर पे पापा परेशान हो रहे होंगे। प्लीज नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। आप लोग चाहिए प्लीज। चलो चीजें, तुम भी चलो बेटा। नहीं मैं नहीं आऊंगी, जब तक मेरे संजीव को होश दिया जब मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बेटा जिद नहीं किया करते, समीर है यहाँ पर, डॉक्टर हमको इन्फॉर्म कर देगा। चलो चलो चलो
संजीव भाई आप कैसे हैं? वो ठीक है बेटा, तूने खाना खाया? हाँ माँ। और पापा ने? कुछ नहीं खाया माँ। फिक्र मत कर। मैं जानती हूं कि आप अपने मुंह से नहीं पूछेंगे कि संजीव कैसा है। वो अब ठीक है, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो खतरे से बाहर है। आप कुछ खा लीजिए। मुझसे नजरें मत फेरो समीर, मेरा यकीन मानो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज जो मेरे भाई का हाल है, मेरे परिवार का हाल हुआ है, उसकी कसूरवार तुम हो। समीर मैं जानती हूं, इन सब हालातों के लिए तुम मुझे दोषी ठहराओगे, और मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह सकती। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। एक दुश्मन को तो आदमी कह भी दे, मगर एक दोस्त जो जानबूझकर दुश्मन बन गया, और वो दोस्त जो अजीज था, प्यारा था। मैं आज भी तुम्हारी वही अन्नू हूं समीर, बस एक बार संजीव ठीक हो जाए मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा यह दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती।
की डॉक्टर बुलाइए। अनु अनु क्या हुआ अनु अनु? तुम ठीक तो हो ना? चिंता की कोई बात नहीं है, इनका बीपी लो हो गया था, आप इनको कुछ खिला दीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। पी लो। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं कह रहा हूँ पी लो, प्लीज पी लो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये कुछ रुपए रख लो और जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मालती फोन कर देना प्लीज कि उसकी तबीयत कैसी है। समीर
संजीव को होश आ गया है, उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं। और वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। रेवा, जाकर संजीव से मिलो, वो तुमसे मिलना चाहता है। सिंगार संस्कार।